जहाँ पे विश्व के मानचित्र पर ये तो बहुत पवित्र भूमि है और बहुत जानी मानी भूमि है। जय बद्री विशाल। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपर धर्मवीर नेगी स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे कड़वाश्रम से। और आज पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज कड़वाश्रम में 3 दिवसीय मेला चल रहा है, 11, 12, 13, 14 चार दिन का चल रहा है। तो आज 14 तारीख है और 14 तारीख को आज यहाँ पे उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागर सम्राट प्रीतम भरद्वाज जी पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। आज उनका यहाँ पे कार्यक्रम है, तो मेरे वीडियो में आज बने रहे। आजकल हम आपको दिखा रहे हैं, मौसम दिखा रहे हैं, तो बने रहा मेरे इस वीडियो में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। आपको दिखाते रहते हैं हम अपनी जो पहाड़ की जो संस्कृति है वो दिखाते रहते हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो चलो चलते हैं सीधे। अभी आए हम मवा कोट वाला जो रास्ता क्या है, और रास्ते की हालत बहुत बेकार रास्ता है। रास्ता ऐसा हो रखा है कि तीनों रास्ते यहाँ से, अगर हम कंडी मार्ग वाला से रास्ते भी जाएंगे, पुल के जो मालन पुल है उसके नीचे से भी जाए आएंगे, तो रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बरसात भी 2-3 महीने के बाद बरसात भी शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कोटद्वार के लोगों के लिए। देखते हैं, चलते हैं सीधे नीचे। चलते हैं, अभी कड़वाश्रम में जा रहे हैं। तो आरसीडी पब्लिक स्कूल के बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो इनका कार्यक्रम है, नंदा डोली राजात यात्रा, उनका अब यहाँ पे कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो सीधे चलते हैं, आरसीडी स्कूल के बच्चे प्रीतम भरद्वाज सिंह से पहले ही इनका कार्यक्रम है, तो सीधे चलते हैं मंच में कड़वाश्रम मैदान में, जहाँ अभी कार्यक्रम कुछ देर में होने वाला है। जैसे अभी साथियों पुल में आ गए हैं, जो ये पुल है कड़वाश्रम का, इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे मेला भी है और दुकानें भी लगी हुई हैं। और इस तरफ आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो कार्यक्रम होंगे रंगारंग कार्यक्रम वो वहाँ होंगे। तो चलते हैं सीधे वहीं पर, धीरे धीरे करके अभी चल रहे हैं। जैसा आप अभी देख रहे हैं धीरे धीरे करके, अभी यहाँ जो मैदान है यहाँ पे कड़वाश्रम का, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और भरत की जो जन्मस्थली है कड़वाश्रम, वहीं पे पहुंच गए हैं। तो काफ़ी भीड़ है आज, क्योंकि प्रीतम भरद्वाज जी का यहाँ पे आज कार्यक्रम होने वाला है कुछ ही देर में, तो उनको सुनने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कोटद्वार की पूरी जनता पहुँची हुई है। तो चलते हैं अंदर सीधे, ये देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉलें लगी हुई है यहाँ पे काफ़ी, और देख सकते हैं आप धीरे धीरे करके काफ़ी दुकानें लगी हुई है यहाँ पे। विराट और भव्य मेला का अध्यक्ष प्रीतम भरद्वाज को सादर प्रणाम नमस्कार। आज बसंत पंचमी, श्री राम पंचमी बोल देना, हमारे पहाड़ में बसंत पंचमी का वास्ता। पंचमी बहुत अद्भुत दिन और ये दिव्य मेलो, अपना इष्ट देवी देवताओं का स्मरण कर दो, भगवती गंगा एक जागर संध्या बंदन का साथ। हाँ,
खोरिका गणेश जाग मोरिका नारेण जाग तल धरती उपरियागास इष्ट देवी देवताओं तुम्हारो ध्यान जाग चौमास की परीक्षा दी संध्या जाग हरियुर की युद्यारी संध्या जाग और बसंत मां फुल्यारी संध्या जाग रूढ़ियों मां रूढ़ियारी संध्या जाग रुमा झुमा पारी संध्या झूली गाय रुमा झुमा संध्या झूली राजा भगीरथ का यखंड तप से भगवती गंगा धरा माए बोले राजा सगर का पितृ जन तरने भगवान राम की कुल देवी भगवती गंगा नमन कदो राम गंगा नयोला धन्यवाद भाई बहनों दीदी बोलियो आहा बसंत पंचमी को दिन छा आज पंचमी है कि ने डाडियो बांसुरी सुनी ली गोरु की घंडली घणमणा ली और मैं तक ही खुद लग ली आहा ओ
ऊंची डांडियों निसीवे जावा बसंत को आगमन होइगे डांडी काठियों बुरास खिल जाला मैं ते के याद आली खोली बीटा पाखों मां भुलेली और बोल दे कि ऊंची डांडियों निसीवे जावा घनी कुलायों छाती हुए जावा मैं देखने दिया मेरा मैं तको लुका ये घनी कुलायों छाती हुए जावा ये ऊंची डांडियों निसी हुए जावा मेरा बैठ को पुल के दिखेलो एक बेटी अपनी माँ का वास्ता मकर संक्रांत का वास्ता और पंचमियों का वास्ता होनी जी कि माँ बैदौल मतलब मैं तो बोले बाबा जी भेज दी मैं लेना का वास्ता बैदौल लई लई हमारे को बोलन बोले मतलब भेजी गोरू की घंडली और बसुली की भौण प्राण खुदे में ये समय पर खुद लग दे अपनों की याद आ दे पंचमी माँ भगवती सरस्वती इष्ट देवी देवता मंगल रखवन श्री नाम पंचमी अभी शायद लाइट चली गई है जाकर सुनने के लिए हर कोई गाना सुनने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है देख सकते हैं पूरी पब्लिक यहाँ पे पहुंची हुई है तो आज कणासुरा मौसम है बसंत पंचमी के दिन जी आज प्रीतम बर्तन जी पहुंचे हुए हैं पहले तो सर आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं धन्यवाद जी बहुत धन्यवाद कैसा लग रहा है कोटद्वार में बहुत बढ़िया यहाँ पर तो बहुत शानदार लोग रहते हैं और मेरे बहुत अच्छे प्रशंसक हैं जी आप वहाँ भी आते तो थल नदी मेले में भी आए साहब आप अतगढ़ बासी भी साहब थल नदी मेले में तो कोटद्वार में मतलब जो आप लोग अपने गानों से जागर से संस्कृति उत्तराखंड की संस्कृति को जो आप वो करा रहे हैं तो क्या संदेश दें चाहते साहब अपने लोक संस्कृति को बचाने का ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये बड़ा मेला होता है इसलिए ये राजा भरत की जन्मभूमि है कर्ण ऋषि की भूमि है तो बहुत अच्छा राजा भरत की जन्मस्थली होने के साथ यहाँ पे कणासुरम में अभी देखना वाला कि काफ़ी कुछ होने नहीं है कोटद्वार में तो उन लोगों को क्या कंचन साहब जो नहीं तो खासकर लोगों को कि आपने भी देखो कि कोटद्वार में अभी भी आप देखना चाहिए अभी 10 मिनट आपने एक भी वेट कर रही तो क्या बहुत बढ़िया क्या चीज़ क्या फिर से मैंने कहा आप राजा क्या कहते हैं जन्मस्थली जो भरत की है यहाँ पे उनके यहाँ पे काफ़ी मतलब एक कणासुरम वो माना जाता है यहाँ पे फिर भी सबसे विकास यहाँ उस हिसाब से नहीं हो पाया है तो क्या दो शब्द आपके लिए होना चाहिए विकास अच्छा है यहाँ पर योगा हम होने चाहिए और यहाँ पे विश्व के मानचित्र पर ये तो बहुत पवित्र भूमि है और बहुत जानी मानी भूमि है
बुरा लोग बहुत दुखी हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई बहनों। ढोल बसंत पंचमी को प्रतीक भी होंगे, सरस्वती को प्रतीक, शिवपुत्र को प्रतीक, एक भगवती को जागर मैं आते ढोल में सुनो चलो, क्योंकि आज बसंत पंचमी जो दुनियाल बजनी बहुत जरूरी है। जागर यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन पे, तो आप सुनिए देखिए जागर शुरू होने वाला है। Baby।
जगदू 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 जग
जब भी हम लोग एक बहुत सुखद अनुभूति होनी